नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं। श्री कृष्ण जी को आप देख रहे होंगे, श्री कृष्ण जी हमारे सामने जो है खड़े हुए हैं, और साथ ही जो है हमने उनके लिए प्रसाद चरणामृत है और उसके बाद धनिया का है, धनिया पीस के उसमें जो है चीनी, जैसे हम लोग अपनी तरफ पंजीरी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। इसमें जो है धनिया पाउडर, खड़ी धनिया को पीस करके, भूंज के पीस करके बनाया गया है, साथ ही और फल वगैरह है। तो हम लोग ये सारी व्यवस्था किए हुए हैं और साथ ही जो है रूम को सजाया गया है, और हमारे कुछ सहपाठी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो साथी हैं। हमारे साथी में देखिए, पहली चीज तो सबसे आगे हमको मिल गए शंभु जी, उसके आगे चलिए शिवालय जी से मिलिए। जो है शिवालय जी खीर स्पेशलिस्ट हैं, मथुरा से ये खीर बनाना सीख कर आए हैं और हम लोगों को अच्छी खीर बना के दिए हैं, हम लोग खाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, ये हमारे सौरभ जी हैं, ये जो है पूड़ी छानने में माहिर हैं, बिहार से ये आए हुए हैं, पूड़ी छानने में नंबर एक के हैं, जान लीजिए पूड़ी एकदम VIP छनती है, कचौड़ी जो है VIP बनती है। उसके बाद ये हैं हमारे जो है रोशन जी भरने में स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी चीज हो उसमें भरना हो तो ये जो है भर देते हैं, चाहे किसी के मन में कुछ भरना हो और चाहे जो है कचौड़ी में उसमें क्या कहते हैं आटे में जो है आलू भरना हो कचौड़ी वाला, तो दोनों चीज ये बहुत अच्छा भरते हैं। उसके बाद फिर चलिए आपको राहुल जी से मिलवाते हैं, बताते हैं प्रसाद कैसे बनते हैं। प्रसाद हम लोगों ने बनाया हुआ है, धनिया को पहले भूजा है, भूजने के बाद फिर जो है इसको हम लोग पीसे हुए हैं और मिक्सर में पीस करके, उसके बाद फिर इसमें चीनी मिलाए हुए हैं, पंजीरी की तरह बनाए हुए हैं, जैसे हम लोग पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी में जैसे आटा बना भूजते थे उसी तरह हम लोग धनिया का बनाए हैं। तो नंबर एक का प्रसाद बना हुआ है, एक नंबर का प्रसाद लगेगा जो है। ये वाला लो, छोटा वाला पहले ये लो, हाँ। दोनों सही है। ये हमारे पासवान जी हैं, पासवान जी जो है वैसे आज कहना नहीं चाहिए लेकिन नॉनवेज में नंबर स्पेशलिस्ट हैं, ये पश्चिम बंगाल से आए हैं। कहाँ से पासवान, कहाँ से आए हुआ? नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल से जो है पासवान जी आए हैं, एक नंबर का नॉनवेज बनाते, लेकिन राम राम आज का नाम नहीं लेना है आज। हम लोग तारीफ कर दीजिए, और इनका तो तारीफ पहले ही आपको बता चुके थे लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। ये जो है हमारे सौरभ जी जो है वो रोशन जी जो है क्या कहते हैं बिहार से आए हुए हैं और बहुत स्पेशलिस्ट भरने वाले स्पेशलिस्ट हैं ये, रोटी और चोखा, और खास तौर पे अभी तो कचौड़ी बना रहे थे लेकिन अब जो है ये रोटी भी बढ़िया बनाते हैं, और आज जो है बहुत चीज सब लोग सीख जाएंगे। तो चलिए आगे धीरे से आपको बताते हैं, अभी हमारे दो लोग जो बच्चे हुए थे उसमें चलिए आपको मिलवाते हैं। पहले सबसे पहली चीज तो राहुल जी से मिलवाते हैं, और जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का सबसे मेन जो क्या कहते हैं संचालक की बात करें तो वो हमारे राहुल जी हैं, और राहुल जी हमारे गाजीपुर के हैं, गाजीपुर के हैं राहुल जी हमारे। उसके बाद चलिए आपको एक व्यक्ति और बचा हुआ है, आपको मिलवाते हैं इनसे, ये हैं हमारे प्रांजल जी। ये जो है ये अब क्या बताएं किसमें स्पेशलिस्ट है, आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं बताई जाती तो वो चीज वहीं चली जाती है। ठीक, तो आप जो है एक कृष्ण जी वो हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये हमारे जो है प्रांजल जी हैं, ये भी हमारे मुरादाबाद ना प्रांजल, ये हमारे मुरादाबाद से आए हुए हैं। और उसके बाद फिर आपको मैंने सबका इंट्रोडक्शन दे दिया जो है, सभी लोग का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अभी एक व्यक्ति बचे हुए हैं, मोनू भाई जी, वो भी बिहार से हैं, अभी आ रहे हैं, वो ज्यादा तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, और जो है चलिए आते हैं तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। फाइनली प्रसाद कंप्लीट हो गया है, प्रसाद में केला है, सेब है, और ये चरणामृत है, उसके बाद फिर ये धनिया की पत्ती, इसमें धनिया का जो पाउडर है उसका बनाया गया है और चीनी डाल के, और साथ ही ये, और श्री कृष्ण जी का त्यौहार हम लोग जो है मना रहे हैं, डीजल लोको सेट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। चलिए अभी आपको बताया था कि मोनू भाई बचे हुए हैं और ये हमारे मोनू भाई हैं, इनका परिचय जो है इनका परिचय आपको प्रांजल देंगे। चलिए भाई प्रांजल भाई बताइए, मोनू भाई हमारे मनु भाई हैं, बिहार से आए हैं, ये हमारे प्रबंधक जी भी हैं, बक्सर बिहार से आए हैं, युद्ध भूमि से आकर यहाँ पर
सबको इकट्ठा किया है इन्होंने, सबको व्यवस्थित यहाँ पर किया जा रहा है, सभी हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तेलुगु लोग जो रहते हैं उनसे थोड़ा उतना बात नहीं कर पाते क्योंकि तेलुगु नहीं आता है, यहाँ कम से कम 5-7 आदमी रहते हैं तो मिल करके अच्छा से रह जाता है, सभी हम लोग भाई खुशी है, मजाक हंसी मजाक होते रहता है, नहीं बुझाता क्योंकि कंटिन्यू 4 मंथ से ड्यूटी करते हैं यहाँ, अभी तक फील नहीं हुआ कुछ क्योंकि साथ रहने के कारण ही पॉसिबल हो पाया, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग हम लोग मिलकर। तो ये तो मोनू भाई का जो है एक ऑफिशियल परिचय हुआ, अब हम जो है सही परिचय आपको बताते हैं। मोनू भाई जी हमारे, सोचिए कि 5 मई को ज्वाइनिंग हुई है, आज तक मोनू भाई घर नहीं गए हैं छुट्टी लेकर के, सारी जिम्मेदारी पूरा मकान का जो है किराए से लेकर के हर चीज को व्यवस्थित करना और अम्मा से बात करना, तेलुगु में सबसे बड़ी कठिन बात वही है कि उनसे बात करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बात जो है मोनू भाई को समझ में आती है और किसी को नहीं आती है, और उसके बाद मोनू भाई इसलिए रुके हैं 4 महीने से, मैंने इनसे कल पूछा तो मोनू भाई कह रहे हैं अब हमारी शादी होने वाली है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि इस कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं श्री कृष्ण भगवान से जो है प्रार्थना करूंगा कि मोनू भाई जल्दी से शादी करें और उसके बाद आगे जो प्रोग्राम है सब हो जाए, और जो है ये आशीर्वाद जो है श्री कृष्ण भगवान इनको जरूर देंगे। तो चलिए ये परिचय था हम लोगों का और बाकी आगे जो भी प्रोग्राम होगा आपको दिखाते हैं। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। चालू है।
I'm gonna